छः दिवस की कथक कार्यशाला है। इसमें हम पूरे वर्ल्ड फेमस जो है हमारे पंडित बिरजू महाराज जी, उनके शिष्य हैं श्री विकास कुमार जी, उनके द्वारा हम बच्चों को कथक सिखाएंगे। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है कि जो हमारे छात्र, जो हमारे जो बच्चे हैं, वो हॉलीवुड और बॉलीवुड की तरफ ही जा रहे हैं। जो अपना जो शास्त्रीय संगीत है, जो शास्त्रीय नृत्य है, उसकी तरफ हम भूल गए हैं। तो हम वापस लौटें, उस नृत्य की तरफ लौटें, क्योंकि यही नृत्य हैं जो जीवन में संतुलन लाते हैं, साधना लाते हैं। और हमारा छात्र या हमारा जो मोटो है, हमारा जो माध्यम है यहाँ पे वर्कशॉप करवाने का, वो यही था कि जो बच्चे हैं आजकल के टाइम पे सारे वेस्टर्न्स में जा रहे हैं, जितने भी हैं बॉलीवुड वगैरह, जितने भी लोग चमक दमक देखते हैं उसमें वो आकर्षित हो जाते हैं। तो हमारा यही मोटो था कि हम अपनी संस्कृति, जो हमारा कल्चर है, उस चीज़ को प्रमोट करें और एक वर्कशॉप के माध्यम के थ्रू हम इस चीज़ को और आगे बढ़ाएँ। क्योंकि कथक हमें सिर्फ डांस नहीं करना सिखाता, ये एक एजुकेशन है। इसमें हम PhD कर सकते हैं, हम मास्टर्स कर सकते हैं और अपनी करियर चूज़ कर सकते हैं। आने के लोग डांस सीखते हैं, आप कथक सीख रहे हैं, तो कैसा लग रहा हो कथक सीखने का? कथक सीखकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें सबको सीखना चाहिए। क्योंकि वो तो हम जो और ये डांस जो होते हैं उन तो हम ऐसे ही सीख जाते हैं, लेकिन ये देखने में थोड़े हार्ड है, लेकिन हम जब सीखेंगे तो हमें आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा है, सर भी बहुत अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है। जब कोई हम डांस करेंगे तो हमें समझ में भी आ जाएगा कि डांस कैसा है, वरना दूर से देखते ही बोल देते हैं कि डांस समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम जब करेंगे तो हमें मज़ा आएगा करने में।